ये गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। चोर सारा चोरी करके ले गया, मेरा पूरा घर लूट कर ले गया, चोर की सत्यानाश हो। क्या होगा, हम लोग अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, रोने की आवाज नदी के किनारे वाले गांव से आ रही है, जाके देखो क्या हुआ है। हाय हाय, बाजार में अनाज बेच कर 100 रुपया लाया था, वो भी चोर चुरा के ले गए। अब मैं सब का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हम लोगों का सब कुछ लूट गया, क्या होगा? इन्हें क्या हुआ है भाई साहब, ये रो क्यों रहे हैं? कल इनके घर चोरी हो गया। ये क्या, कब? लोग आपको तो ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हैं। क्यों? आपको पता नहीं चोर रात को आता है? पूछ रहे हैं चोर कब आया था? नहीं, ये पूछना चाहता हूँ कि चोर कहाँ से आया। दादाजी, घर का करकट हटा कर। हाय हाय, क्या हो गया जी, खाना खाने के लिए एक थाली तक नहीं रख कर गया चोर। वाह, बहुत मजा आएगा, हम लोग केले के पत्ते में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ चोर बर्तन चुरा के ले गया, अच्छा हुआ। चुप मुझो से, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है, चोर तो सारा पैसे चुरा के ले गया, तो खाना कहाँ से खाएगा? घर का करकट भी टूट गया, उसे कैसे ठीक करेंगे? सब लूट गया। ये लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ, हो सके तो महाराज तुम लोगों के लिए कुछ करे। ये क्या, मेरे राज्य में चोरी? कुछ ना कुछ करना होगा। चोर पकड़ाएगा तो क्या कीजिएगा? सबूत के साथ अगर चोर पकड़ाया तो मौत या फिर काल कोठरी। तो फिर महाराज, सबसे पहले पंडित जी को काल कोठरी में डालिए। क्यों क्यों, हमारे पंडित जी को काल कोठरी में क्यों डाला जाएगा? आपको नहीं पता है, वो तो दक्षिणा चुराते हैं। सेनापति, यहाँ राम रहीम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है एक चोर की। महाराज को कुछ सोचने दीजिए। वो तो प्रसाद चोरी करके खाते थे, इसलिए तो वो चोर है। आप बेकार की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काम चोर है, इसलिए आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सच में आप चुप रहिए, एक जरूरी बात चल रही है, उसके बीच आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या किया जाए गोपाल? समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा महाराज, लेकिन कवि रत्न जी का मदद चाहिए। चोर पकड़ने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा गोपाल। बस आज शाम को ही। कल राज खजाने में से 1000 मुद्राएं चुराया हूँ। आज कितना निकालोगे? रोज रात को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, सोच रहा हूँ कि आज रात में सो जाऊं। ऐसा करने का मतलब क्या है गोपाल? कैसा मतलब? पूरे राज्य में तो हंगामा हो गया है कि तुम राजमहल में चोरी कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये झूठ है, ये किसी को पता ना चले। सुना हो कि गोपाल के घर में ढेर सारा मोहर है, हम लोग चोरी करने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ओए, तो भी आ। ए जी, ताली पे क्या आवाज हो रहा है? लग रहा है
चोर आ गया है। मैं जो सिखाया हूँ वो तुम्हें याद है ना? हाँ। तो चिल्लाओ। ए जी, आप रोज रोज इतने सारे मोहर कहाँ से लाते हैं बताइए ना? राज खजाने से चोरी करता हूँ। हाँ चोरी करते हैं, अगर पकड़ा गए तो बोलिए मेरा क्या होगा? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा, चुप हो जाओ। सुन लेंगे, जिस दिन पकड़ा जाएंगे तो उस दिन क्या होगा बताइए? मैं कभी नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों क्यों? मैं राजमहल के सामने से नहीं जाता हूँ। तो? राजमहल के पीछे दरवाजा से मैं जाता हूँ अंदर। लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है, आप उस खजाने के घर में कैसे जाते हैं? रस्सी से? उस छप्पे से रस्सी नीचे लटका कर मंत्र वाला रस्सी से नीचे जाता हूँ। मंत्र वाला रस्सी? वो कैसा है रस्सी जी? मैं एक दिव्य मंत्र जानता हूँ, उस मंत्र के द्वारा चांद की रोशनी में एक अदृश्य रस्सी बन जाता है, उसी से मैं अंदर जाता हूँ और बाहर भी निकलता हूँ। मंत्र क्या है जी? किसी को नहीं बताना। ये लीजिए, मैं आपको छू के प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूँगी। ठीक है तो सुनो, चांद की रोशनी ओम हीं क्लीं कुट खट बन जातु रस्सी फटाफट। गुरु चलो राजमहल चलते हैं। हाँ पर महल में राज खजाना कहाँ ये तो नहीं पता है? मैं तो जानता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चल। कितना सारा खजाना। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, चांदनी रात में चांद की रोशनी रस्सी बन जा तू फटाफट, मैं नीचे चला जाऊँ झटपट। क्या हुआ क्या हुआ, गिर गया क्या? रुको रुको मैं आ रहा हूँ। ये क्या, चांद की रोशनी रस्सी नहीं बना है? शायद पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए मंत्र में गलती हो गया होगा। गुरु अब क्या होगा? हम दोनों तो फंस गए। और क्या होगा, राजा हमें मृत्यु दंड देंगे। सच में गोपाल तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज आप इन दोनों चोरों को मुक्ति दे दीजिए और साथ में इन्हें कुछ काम दे दीजिए, रहने का बंदोबस्त और वस्त्र भी। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, देखिएगा समय आने पर ये दोनों चोर ही राज्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, शंकर शर्मा नामक एक भद्र पुरुष गांव में रहते थे। कुछ दिन पहले ही वे शांति निकेतन में एक घर खरीदे थे। घर खरीदने के कुछ दिन ही बाद एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। 2100 किसी सदवी में भूत, ये तो चंबू की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता? बरामदे में हड्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है, डर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते, इसलिए सोचता हूँ उस घर को मैं बेच दूँ। अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो। बहुत दिनों से इच्छा था कि मैं अपने आँखों से भूत देखूँ, अगर मैं आपके उस घर में एक दो रात रह जाऊँ तो? ठीक है, कब जाना चाहते हो बताओ? अगला शनिवार को, इसके साथ कल ही अमावस्या है, चलिए आप और हम दोनों चलते हैं। ठीक है तो कल ही चलो। दूसरे ही दिन शंकर शर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे। वाह, आपका घर जितना बढ़िया है उसका चारों ओर का परिवेश और सुंदर है। अरे नमस्कार शर्मा जी, आइए आइए आइए। कब आए? यही तो आज दोपहर में। साथ में वह कौन है? अरे मैं इनका दूर का संपर्क का भतीजा हूँ।
शांति निकेतन देखने आया हूँ। वाह बहुत अच्छा, रहोगा ना दो चार दिन? जी हाँ दो चार दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड्डा जमाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वही उस तीन तल्ला घर का मालिक है, कम से कम 300-400 एकड़ जमीन का मालिक है वह। घर बेचने वाले से क्या कोई खरीदने वाला मिला है? भूतहा घर बोलकर चारों ओर बात फैल गई है, फिर इसे कौन खरीदेगा बताओ? ऐसे दुबे जी ने तो खरीदने की बात कही थी हमसे, लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है। घटना उस समय के लिए तो टल गई, लेकिन उसी दिन रात में अरे बाप रे बाप, आपके घर खरीदने के कुछ पहले ही सांप डसने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। वास्तव में वह एक पागल था, उसका श्राद्ध अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किए, लगता है मर कर के भी वह पगलामी करता है। जो भी हो थोड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं चलता हूँ। अंत में यहाँ पागल भूत, भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो, किसी के घर में तो जूता चप्पल पहनते हुए घूमते हुए तो नहीं देखा है हमने। अने? ये देखिए, आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे ये पाया हूँ। सुनिए, आज रात में ही हम ही लोगों को पहरा देना होगा। वह देखिए वो कौन आ रहा है। सही बात है, तो इस बार मजा देखिए। क्या हो रहा है? कौन कौन हो तुम? मैं जग्गू पगला हूँ। तो बेटा राखाल, तुम शर्मा जी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रख कर प्रचार कर रहे हो, तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोड़ूंगा। तो ठीक है भाई, आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भूतहाना मिट गया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या बात? राखाल भट्टाचार्य के पास तो बहुत पैसे हैं, अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़िया घर बनवा लेते, तो हमारे इस सामान्य घर को वे दखल करना क्यों चाहते थे? कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते। आप शांति निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाए। इस संसार में जो भी आता है, जिसके पास जितना रहता है वो और चाहता है। राजा भी गरीब जनता का पैसा चुरा कर बहुत महान बनता है। लगता है 3 दिन बारिश होने के बाद आज धूप निकला है, कितना अच्छा लग रहा है ना गब्बू? हाँ ठीक बोला है तू। ओए रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ए टब्बू, वो देख जेल तोड़कर कैदी कैसे भागे जा रहा है। टब्बू कुछ कर, नहीं तो ये शांति नगर अशांति नगर बन जाएगा टब्बू। लेकिन मैं क्या करूं गब्बू, तू कुछ बता तो। अरे यार कुछ तो कर। ठीक है रुको रुको, मैं कुछ सोच रहा हूँ। देख चोर अब किसी भी कीमत पे नहीं भाग पाएगा। देख चोर देख, तेरे सामने एक लंबा दीवार है,
तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, अब तुम उस दीवार से टकरा जाओगे। हाँ, ये कैसे हुआ? सच में टप्पू, आज तुम्हारे वजह से ही इतना खतरनाक कैदी भागने से बच गया। चल थाने में। गब्बू, अब हम लोग भी चलो घर चलते हैं। ठीक है, चलो। गब्बू, हाँ बोलो। सोच रहा हूँ इस बार दिवाली में एक हीरो की तरह में ड्रेस ले लूं। अरे बाप रे बाप, खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा तू लाएगा कहाँ से टब्बू? टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं, चलो कहीं से घूर कर आते हैं। चलो तब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसकी शक्ल पहचाने पहचान लग रही है। गब्बू, मुझे याद आ गया। और देख देख, जो उस दिन जेल से भागा था कैदी, वो वही है। वो भेष बदल लिया है साधु का। अरे ये तो वही दोनों लड़के, मैं भागू यहाँ से अपने जम बचा के। सुन सुन, तुम जल्दी जाकर पुलिस को खबर दो, अब तक हम उसको फंसा कर रखते हैं। ठीक है। कैदी तो बहुत जोर से भाग रहा है, इसको तो अटकाना होगा। ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, सुनो ना, ओ साधु बाबा। अब मैं कैसे फिर से पकड़ लेंगे लोग? ये तो डोने लगा, इसको कैसे भी न कैसे करके रोकना होगा। ओह, इसको कैसे कैसे रोकूं? एक दिमाग में आइडिया आया। देखो देखो, तुम्हारे सामने एक बाइक है, चढ़ो चढ़ो उस पर, चढ़ो चढ़ो। ओम टर पुक टर छुक। अरे यहाँ तो एक बाइक खड़ा है, इस पे बैठ के भाग जाऊंगा तो इसका बाप भी नहीं पकड़ पाएगा मुझे। ये रहा चोर, नकली दाढ़ी लगाकर सन्यासी बनकर घूम रहा था। चल शैतान थाने में। देखिएगा फिर से न भाग जाए। अब तुम निश्चिंत होकर रहो, चल थाने में, चल। चल टब्बू, अब हम लोग वापस चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। गिरिपथ देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे, लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि राजा निसंतान था। माँ, मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा, तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं, तुम लोग जाके उनसे मिलो, वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्बल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्बल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, ये एक सन्यासी के बातों के अनुसार
महारानी अगर दिव्य आम फल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य आम फल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य आम फल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वह दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? जी मैं जात का वेद हूँ। मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से अपने राज्य की महारानी के लिए। मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ। वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी। उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य आम फल के बारे में मैं भी सुना हूँ, और ये भी सुना हो कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य आम फल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उसे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ वो रही जलपरी। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्य अम्फल का पता बताओ, तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। फल के बारे में तू पूछ रहा है, उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है? हाँ पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिव्य आम फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक दीप है, उसी दीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य आम फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुंदर के दीप में कैसे जाऊंगा? तुम इस नाव में बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा। नाव में बैठकर समुंदर के दीप में जाकर वो दिव्य आम फल समुंदर में ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया? उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल के सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य आम फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज ये लीजिए दिव्य आम फल, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे बैद, मेरे पास बैठो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज राजा की उबेद को अपने पास बिठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था, और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य आम फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया।
समझे तुम बेताल? टॉम, आंटी दो दिन के लिए बाहर जा रही हैं। इस मौके का सही फायदा उठाकर हमें हमारे पिकनिक को अंजाम देना चाहिए। अच्छा ही हुआ, बहुत दिनों से कुछ अच्छी तरह से खाना पीना नहीं हो पाया है। क्या कहते हो मेरे दोस्त? ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सुनो पुसी, दो दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद किसी भी तरह की शैतानी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझ गई? ये बात लूसी को बोल देना। अरे लूसी, आंटी के आने तक सावधान रहना, कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, चुपचाप यहाँ से जल्दी निकल लो, समझ गए? जल्दी। क्यों? मैं क्यों यहाँ से जाऊँ? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आराम करूँगा। चलो, राहत मिली, बहुत बढ़िया। ये सही समय है, अभी टॉम को फोन करके जल्दी से यहाँ बुला लेता हूँ। हेलो टॉम। टॉम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ टॉम, तुम शाम को आ जाना, ठीक है? बड़े मजे से खाना पीना होगा, बहुत मजे से। याद से आ जाना, सुन रहे हो? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, मुझे भगा कर खुद सारे खाना ऐश से खा रहे हो, क्यों? जब देख ही लिया है तो बिना देर किए काम पर लग जाओ, चलो जल्दी। सुना तुमने? काम पर लग जाओ मतलब? भाई हमने जो खाया पिया है इसके बाद किसी को प्लेट भी तो धोनी पड़ेगी ना। सिंपल, वेरी सिंपल। लूसी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। सोच सकते हो कितना बड़ा कांड किया है, आंटी के जाने पर सारा खाना चट कर गए। जब आंटी वापिस आएगी तो सारा इल्जाम लगेगा मुझ पर। इसका कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। अरे क्या पका रहे हो, कुछ भी करो पर कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हो तुम? अब तक तो कुछ नहीं सोचा है, पर सोचने के बाद जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। पुशी, मछली मेरे पेट के अंदर है और ये काटा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। अब क्या करोगे पुसी? एक उपाय है पर है थोड़ा सा रिस्की। क्या बताओ? तो सुनो, उस बगीचे में जो पेड़ है उसमें एक भंवरों का छत्ता है, वो मैं और तुम राख लगाकर मशाल लेकर उसके ऊपर चढ़कर उतार लाएंगे। उसके बाद उसको फ्रिज में रख देंगे। वो लोग रात में जब छुप छुप कर फ्रिज खोलेंगे और तभी, समझ रहे हो ना तुम, तभी हो जाएगा एक बहुत भयंकर। अरे तेरे तो गजब। अरे टॉम एकदम ध्यान से सोचो कि सब सो रहे हैं, समझ गए? अब वो भुनी हुई मछली हमें खानी है, एकदम ध्यान से। चलो चलो भाई। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे रे 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 रे, ये खा गई मुझे। अरे मम्मी। अरे रे 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 रे, अरे इनको भगाओ, अरे इनको भगाओ, बचाओ। अरे अरे अरे, बचाओ 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 बचाओ। अरे मुझे छुड़वाओ, अरे मुझे छुड़वाओ, अरे कोई तो रोको। ओ मम्मी, अरे काट लिया, अरे जल रहा है। ये भंवरे पहले तुम्हें काट ले, फिर मैं
तुम लोगों को अच्छे से काटूंगी। अरे जा 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 जा, अरे बाबा खा गए, अरे भागो, अरे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बचाओ मुझे कोई, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मम्मी, अरे मम्मी।